नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरगोदा नगर पालिका ने की भारी तोड़फोड़, 70 से अधिक निर्माण स्थलों पर की कार्यवाही। नगर पालिका की जमीन पर कब्जा कर रहा था युवक, उसका कब्जा भी किया ध्वस्त। दो दिन पहले भी की गई थी छोटी कार्यवाही, बुधवार को की गई बड़ी कार्यवाही। गांव पहलादपुर गिढोली की कन्या विद्यालय में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह खोज प्रतिभा प्रतियोगिता व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामूहिक हवन यज्ञ भी किया गया। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में 10वीं कक्षा की उर्वशी पुत्र रुपेंद्र ने प्रथम, अनुज पुत्र गोविंद ने द्वितीय, जानकी पुत्र रविंद्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार में सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग, 6 कॉपी, 10 पेंसिल, 5 पेन व 1 दीवार घड़ी दी गई। रक्तदान शिविर में 61 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। प्रतियोगिता व रक्तदान शिविर का आयोजन समस्त ग्रामवासी व भगत सिंह युवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा करवाया गया। अपने 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं इस प्रतियोगिता में बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ये है क्लास 6th का रूम, यहाँ पे भी सभी बच्चे पूरे 100% अपने एफर्ट्स में लगे हुए हैं बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए। प्रतियोगिता यहाँ वरांडे में भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ी है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बच्चों की। क्लास 5th का रूम है ये, यहाँ पे भी सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रतियोगिता में अपने पूरे एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा आयोजन पहली बार हमारे इस गांव के अंदर, पहली बार ऐसा शानदार आयोजन किया जा रहा है और सभी क्षेत्र के अध्यापक और इवन पेरेंट्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इससे पता लगता है कि इस एरिया में बहुत क्वालिटी है, ना केवल बच्चों में बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स भी बहुत ही जागरूक हैं। गांव सैदपुर में शहीद भगत सिंह युवा कमेटी व सर्वोदय फाउंडेशन द्वारा शहीदी दिवस पर शिव मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में फिम्स हॉस्पिटल के ब्लड बैंक टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें कुल 100 यूनिट एकत्रित की गई। इस शिविर में गांव सैदपुर व आसपास के अन्य गांव से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ शहीद भगत सिंह युवा कमेटी के सदस्य संदीप रोहित पवार द्वारा किया गया। सर्वोदय फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र देशवाल ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। थानेकला मार्ग स्थित जागृति स्थल पर अखिल भारतीय दहिया जागृति महासभा खरगोदनी शहीद स्मारक पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के सभी पदाधिकारियों ने हवन में आहुति डालते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में रहे पूर्व चेयरमैन अनिल झरोठी ने यज्ञ में आहुति डालकर शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक नम आंखों से शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य शहीदों को याद करके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 23 मार्च 1931 को देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इस मौके पर सतवीर, ठेकेदार, सरपंच बरोना, निलोठी सरपंच, मास्टर करतार, ईश्वर गोपालपुर, दयानंद चंद्र सिंह, मेहर सिंह, मटिंटू, कर्मपाल सिसाना, राजेंद्र खुरमपुर एवं मुन्ना नंबरदार आदि उपस्थित रहे। ब्रह्मशक्ति स्कूल थानाकला में शहीदी दिवस मनाया गया। प्राचार्य रामवीर सिंह ने बताया कि विद्यालय में वीर शहीदों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई व उनकी पुण्य स्मृति में हवन यज्ञ करवाया गया। प्राचार्य ने सभी छात्रों को बताया कि भारत माता के वीर सपूतों ने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर भारत माता को आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सभी शहीदों व देशभक्तों की कुर्बानियों को सदैव याद करते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल स्तर से लेकर राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सैकड़ों छात्रों को चेयरमैन ओपी रंगा द्वारा मोमेंटो मेडल व सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया, जिसमें नैन्सी कनिष्क, राहुल, भावना मुख्य नाम रही। भारत में कोविड-19 की चौथी लहर का खतरा लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में न्यूजीलैंड देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड में मंगलवार 22 मार्च 2022 को कोरोना वायरस के 20,907 नए सामुदायिक मामले दर्ज किए गए। इस देश में कोरोना वायरस के 15 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 199 हो गई। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर में सबसे ज्यादा केस। न्यूजीलैंड देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए सामुदायिक संक्रमणों में
4291 सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में थी। कैंटरबरी में 3488 सही देशभर में बाकी मामलों की पहचान की गई। मंत्रालय ने कहा कि न्यूजीलैंड के बॉर्डर पर भी 34 नए संक्रमण पाए गए हैं। 15 लोगों की कोरोना वायरस से मौत। न्यूजीलैंड के मंत्रालय ने कोविड-19 से 15 लोगों की मौत की सूचना दी, जिससे देश में सार्वजनिक रूप से होने वाली मौतों की कुल संख्या 199 हो गई है। महामारी की शुरुआत के बाद से न्यूजीलैंड ने अब तक कोरोना वायरस के 517,495 पुष्ट मामले दर्ज किए। मैं डॉक्टर गगन कंसल, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, टुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो ज्वाइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और ज्वाइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में तीन हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट खराब हो जाता है, उसको काट के स्मूथ कर देते हैं। दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं, उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।